जब से ये मानव सभ्यता वजूद में आई है, जब से हम इंसान इस पृथ्वी पे रहने लगे हैं, तब से लेके आज तक एक चीज कभी भी नहीं बदली है, जो आज भी अपने आप को संपूर्ण करती है, अपने आप को कंप्लीट करती है। और देखा जाए, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी जिंदगी को एक नया आयाम देती है एक चीज, वो चीज है हमारी मैरिज, हमारी शादी। हमारी शादी एक ऐसी घटना होती है हमारे जीवन में जो हमें एक व्यक्ति के नाते और भी ज्यादा जिम्मेदार बनाती है और हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इस जो सबसे बड़ी जो खुशी की घटना हमारे साथ होनी चाहिए थी, हमारी मैरिज हो, उस चीज को लेके हम हमेशा दुखी होते हैं। अब देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है आपके और हमारे लाइफ में, आज हम और आप मिलके इस चीज की चर्चा करेंगे खुले दिल से। नंबर वन, हम सारे लोग अपनी नाकाम मोहब्बत को लेके बहुत ज्यादा पैसिनेट होते हैं। या देखा जाए, जो चीज हमारे पास नहीं होती है उस चीज को लेके हम, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मनी लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसके लिए बहुत ही ज्यादा ललायित होते हैं, और जो चीज हमारे पास होती है ना, हम उसकी कद्र नहीं कर पाते। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जब आपकी मैरिज होती है तो एक लड़की जो अपने घर में, अपने पिताजी के घर में इतने अच्छे से रहती है, और अगले ही दिन उसकी पूरी सारी दुनिया चेंज हो जाती है और वो आपके घर में आती है और तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। अगर देखा जाए तो उस औरत का आपके जीवन में कितना प्रभाव है, अगर ध्यान से मेरे नजरिए से देखे तो वो पूरे आपके वंश को लेके चलती है, आपके DNA को लेके चलती है। आपको इस दुनिया में, आप नहीं भी होते हैं, आपके बाद भी एक ऐसा प्रकृति ने दिया है कि इस शादी का बंधन इतना महत्वपूर्ण है आपके हमारे लाइफ में, कि प्रकृति ने उस चीज को बांध के रखा हुआ है कि आपके जीवन में आपकी वाइफ का, आप जो बेटर हाफ हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं अपनी इंसान की फितरत के कारण। हमारी इंसानी फितरत क्या है? हमारी इंसानी फितरत ये है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे पागलों की तरह भागते हैं, और जो हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं कर पाते। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है हम उसकी कद्र क्यों नहीं कर पाते हैं, और जब हम कद्र नहीं करते हैं तो जिंदगी में दुखों का सामना करना होता है और हम उस हर तरह की समस्या से गुजरते हैं जो आप बेहतर समझ रहे हैं। अगर अपनी जिंदगी को, शादीशुदा जिंदगी को अगर अच्छे से चलानी है आपको, तो आपको समझना होगा अपने बेटर हाफ को अच्छे तरीके से, वो क्या कहना चाहती हैं आपसे, क्या उम्मीद है उनकी आपसे, सुनना होगा उनको। आप जिंदगी में चाहे जो भी करें, लेकिन आपका एक क्वालिटी टाइम, चाहे वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे वो आधे घंटे का ही क्यों ना हो, आप बैठें और समझें। और आपको लगातार ये काम करना होगा, ड्यूटी के नाते नहीं, ये आपका धर्म होना चाहिए, पति धर्म होना चाहिए कि आप उनके साथ बैठें, समझें कि क्या उम्मीदें हैं उनकी आपसे, आप समझें कि वो आपके लिए कितना बलिदान देती हैं जब आप ऑफिस जाते हैं और सारी चीज़ें, जब आपके साथ सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, आपके बच्चे आज अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो किन की बदौलत है, ये आप समझने की कोशिश करें। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि आपको उनको अच्छे से समझना होगा। कुछ टिप्स हैं मेरे जो आपको बहुत काम आएंगे आपके मैरिड लाइफ में। सबसे पहले आप सुने, बोले कम सुने ज़्यादा, उनकी बात सुने। सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि आपकी उनसे उम्मीदें क्या क्या हैं, वो आपसे क्या क्या उम्मीदें करती हैं। टिप नंबर 2, कोशिश करिए आउटिंग रहनी चाहिए आपकी, चाहे जितना भी आप कमाते हो, पैसा डजंट मैटर, चाहे जितना भी आप कमाते हो, जो भी पैसे आप कमाते हो, उस पैसे में आपकी आउटिंग होनी चाहिए जो आपके रिश्ते को रिफ्रेश करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म का मतलब अगर हो सके तो कोशिश करिए एक दिन का घर का खाना बाहर खाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ही जाएं, जो भी आपका बजट अलाउ करे एक कोशिश करिए वहाँ जाएं, वहाँ आपको और भी खुल के एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। कभी अगर कोई बहस का मुद्दा अगर आपके और आपके बनता है बेटर हाफ के बीच में, तो उस मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश करिए, बहस से बचने की कोशिश करिए। सुनना ज्यादा है, बहस कम करना है। अगर अच्छे से आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे
कि जो आप बहस करने वाले थे वो बहस शायद हो ही ना। और अब ध्यान से समझिएगा, अक्सर हम लोग ये गलती कर जाते हैं कि बहस को जीतने के चक्कर में हम सामने वाले को हरा देते हैं, और होता क्या है कि आपके रिश्ते दिन पे दिन खराब होते जाते हैं। तो बहस से बचें और बहस को जीतने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बहस जीत जाएंगे तो अपना रिलेशन जो है लॉन्ग टर्म में हार जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे टिप्स है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि हमारे धर्म में कि जो देवों को देव हैं, महादेव हैं, वो भी जब देवी शक्ति के साथ मिलते हैं तभी वो कंप्लीट होते हैं। यानी कि बीइंग ए मैन, आपका अस्तित्व तभी है जब आपके साथ आपकी बेटर हाफ हो और एक दूसरे का साथ ही आपको एक कंप्लीट मैन या आपकी वाइफ को एक कंप्लीट वुमेन तभी बनती हैं जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। भटकाओ में मत पड़िए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रास्ते आपके लाइफ में, ऐसे मौके आएंगे जब आपको भटकाओ होंगे, लेकिन उस भटकाव से आपको बचना है। और जैसे जैसे आप इस भटकाव से दूरी कम बनाएंगे और सारी दुनिया आपके लिए जो दुनिया छोड़ के आई है, अगर आपने उनको अपनी दुनिया बना ली, तो कहीं भी मेरा दावा है आपसे कि कहीं भी आपको दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आपके घर में ही आपका एक ऐसा दोस्त है जो हर पल आपके दुख में सुख में हर पल आपके साथ है। आपका एक ऐसा दोस्त जो आपके बच्चे को पालता है, जाहिर सी बात है, और आपके बच्चे के साथ साथ इंटायर आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करता है। तो दोस्तों आज के बाद जो चीज़ है ना आपके पास वो बहुत कीमती है। इधर उधर देखना आप बंद करें और जो भी चीज़ है उसकी रिस्पेक्ट करिए, कद्र करिए उसकी, और आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितना खुशी पाएंगे, जिसका मैं शब्दों में आपको बयान नहीं करूँगा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले करना होगा, सुनना होगा, समझना होगा कि आपकी बेटर हाफ आपसे चाहती क्या है। और मेरा वादा है आपसे कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपने इस मसले को सुलझा लिया ना, तो आधी जंग आपकी ऐसे ही जीत जाते हैं। और कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कोशिश करिए दोस्तों कि वो औरत आपकी वाइफ ही हो, और आप जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे अगर आपने अपने रिश्ते को सुलझा लिया। तो धन्यवाद।